नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और अगले घंटे में हम बात करेंगे दिनभर की सभी बड़ी खबरों की। हरियाणा में कल एक ही चुनाव जो मतदान होने वाला है, एक ही चरण में मतदान होना है वहां, तो इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। कल रहेगी इस मतदान पर भी सभी की नजर। बताएंगे आपको इन चुनावी खबरों के बारे में भी, लेकिन साथ ही साथ बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में जब भाग लिया तो क्या बड़ी बातें सामने रखी, कौन सा मंत्र दिया जिस पर देश बढ़ रहा है आगे, करेंगे इस पर चर्चा भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में पीएम मोदी का संबोधन, कहा निवेश के लिए भारत दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह, करोड़ों देशवासियों का विश्वास, सरकार की सबसे बड़ी पूंजी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान, चुनाव आयोग ने की सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तैनात किए जाएंगे अतिरिक्त सुरक्षा बल, प्रदेश की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में होगी वोटिंग। दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप, मामले में कांग्रेस कनेक्शन सामने आने पर बीजेपी हमलावर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल, युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में धकेलने का लगाया आरोप, बीजेपी ने पूछे तीखे सवाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर हमला, धुआंधार फायरिंग और बमबारी में नेता समेत सुरक्षाकर्मी घायल, टीएमसी नेता पर हमले का आरोप, बीजेपी ने साधा निशाना, कहा हमेशा की तरह पुलिस ने निभाई मूक दर्शक की भूमिका। और लेबनान की राजधानी बेरूत में इसराइल की भीषण बमबारी जारी, नसरल्ला से संभावित उत्तराधिकारी को निशाना बनाने का किया दावा, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से इसराइल को दी कड़ी चेतावनी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ये ऑपरेशन जो नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया, जो दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ से जुड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जिस पर बात करते हैं हमारे संवाददाता सोमेश पटेल से कुछ ही देर में। लेकिन ये बात बता दें आपको कि ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर हुई है जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, ये इस वक्त की खबर आ रही है। हम जानते हैं कि किस तरीके से लगातार सरकार नक्सलवाद के खात्मे पर बात कर रही है, इसी के प्रयास जारी हैं। गृह मंत्री ने इसको लेकर समय सीमा तक निर्धारित की है और उसके मद्देनजर जो ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन्हीं में से एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को जो बड़ी सफलता मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि नारायणपुर सीमा के साथ लगते क्षेत्र में जो ये मुठभेड़ हुई है उसमें 3 नक्सलियों को सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा ये वो क्षेत्र है जहां नक्सलवाद पैर पसारे रहा था अभी तक, लेकिन सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के मद्देनजर नक्सलवाद जल्द ही खात्मे तक पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेश, क्या बड़ी खबर इस वक्त 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है? आपको मैं बताऊं, लगातार ये नक्सल मुठभेड़ पिछले 2 दिनों से चल रहा था, जो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा नारायणपुर चल रहा था और करीबन अब तक 30 नक्सलियों को मार गिराया है जवानों में। नक्सलियों के पास से AK-47 SLR समेत कई नकली जो सामान है उनके पास से बरामद हुए हैं। ये मुठभेड़ जो ओरछा थाना का इलाका है, नेंदूर और सुथरी गांव के बीच ये मुठभेड़ हुआ था और इनके पास लगातार जो ऑटोमेटिक राइफल है इनके पास जो बरामद हुई है। एक दिन पहले नारायणपुर दंतेवाड़ा के जिलों से जवानों को एंटर जो नकली ऑपरेशन है उस पर भेजा गया था। इसके बाद कुछ इलाकों में लगातार मुठभेड़ हुई और कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी घंटे तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इसके बाद जब फायरिंग रुकी तो सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जवानों को जो 6 बजे तक जो हमारे पास अपडेट थे, 14 नक्सलियों के मारे जाने के खबर थे। अभी कुछ देर पहले जो हमारे पास डाटा आया है केवल 30 नक्सलियों को मार गिराया है। और जब मैं आपको एक दिन पहले की बात करूं, जो सुकमा जिला है वहां पर भी कल मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में भारी मात्रा में नक्सलियों के पास से सामान बरामद हुए थे और 10 दिन में करीबन दूसरी बार मुठभेड़ हुई और 10 दिन के पहले
24 दिसंबर को ये सुकमा जिले में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान नक्सलियों के इनकाउंटर पे दो नक्सलियों को ढेर किया गया था और उनके पास से कई जो सामान थे उनके पास से बरामद हुए थे। दूसरी तरफ एक डाटा और बताऊं, 29 अगस्त को नारायणपुर का जो कांकेर बॉर्डर है अबुझमाड़ इलाके में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 3 वर्दीधारी जो महिला नक्सली हुए थे। और दूसरी तरफ जो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर संभाग में नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और इस साल 2024 में 663 माओवादियों को बीते 8 महीनों में गिरफ्तार किया गया है और 556 माओवादियों को नक्सल संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया है और अब बस्तर में अब तक 164 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल से मुक्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार नक्सलियों के खिलाफ में यह अभियान जारी है और नक्सलियों को खदेड़ने का काम हमारे जवान कर रहे हैं। कुछ देर पहले जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलियों को सफाया किया जाए और लगातार नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और बस्तर से जल्द ही नक्सल मुक्त हो जाएगा। जी जी सोमेश, जैसे आपने बता दिया है कि बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए हैं, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पिछले महीने भी ये ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं ताकि नक्सलवाद पर लगाम कसी जा सके। ऐसे में ये भी बात गृह मंत्रालय की ओर से लगातार सामने रखी जाती रही है कि जब हम बात करते हैं नक्सलवाद की तो चूंकि सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस लगातार जारी हैं तो धीरे धीरे इनका क्षेत्र भी सिमटता जा रहा है। इसके मद्देनजर जहां अब मुठभेड़ हुई है उस क्षेत्र के बारे में भी हमें बताइए, क्या ये भी जंगल का ही इलाका है, सीमावर्ती इलाका है? जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो बस्तर का क्षेत्र शुरू से घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा, इस इलाके में नक्सली अपनी आमद की खबर अक्सर बताते रहते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाओं को नक्सली भी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो मुठभेड़ हुई अबुझमाड़ का इलाका है, अबुझमाड़ के इलाके में जो उस इलाके में लगातार ये मुठभेड़ जारी है और जो बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर इस इलाके में कहीं ना कहीं नक्सलियों की आमद की खबर भी होती थी, लेकिन अब लगातार जो सुरक्षा बल के जवान है उस इलाके में पहुंच रहे हैं और नक्सलियों को खदेड़ने का प्रयास भी उस इलाके से किया जा रहा है। चलिए सुमेश, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये दंतेवाड़ा नारायणपुर क्षेत्र जो है इसी जगह पर मुठभेड़ हुई है जिसमें 30 नक्सलियों को मारे जाने की खबर इस वक्त आ रही है। और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित किया। 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में अहम आर्थिक मुद्दों पर मंथन हो रहा है। सम्मेलन में जुटे देश दुनिया के अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की शानदार तस्वीर सामने रखी। नई दिल्ली में तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था की शानदार गति का जिक्र किया। समावेशी विकास सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास को सबसे बड़ी पूंजी बताया। देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास को रेखांकित करते हुए पीएम ने तीसरे कार्यकाल के पहले 3 महीनों में अपनी सरकार के बड़े फैसलों का भी उल्लेख किया। इस दौरान 15 ट्रिलियन रुपीज यानी 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के डिसीजंस लिए गए हैं। इन्हीं 3 महीनों में भारत में अनेक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। हमने देश में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाने का भी निर्णय लिया है। हमने देश में 3 करोड़ नए घर बनाने को भी मंजूरी दी है। पीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी भारत की तेज आर्थिक प्रगति की भविष्यवाणी कर रही हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हुए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की राह तैयार की है। भारत ने माइनिंग, डिफेंस, स्पेस जैसे अनेक सेक्टर्स को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोला है। हमने FDI पॉलिसी को लिबरलाइज किया ताकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए यहां ज्यादा से ज्यादा अवसर बन सके। हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम को कम करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास और युवाओं के लिए नए अवसरों का जिक्र किया। पीएम ने शिक्षा जैसे क्षेत्रों में पिछले एक दशक में हुए कामों को गिनाया।
पीएम ने कहा कि आज भारत एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कारण 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बहुत जल्द ही भारत के 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स दुनिया के कोने कोने में मेड इन इंडिया चीज पहुंचाने लगेंगे। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में पीएम का संदेश साफ था, देश नए आत्मविश्वास से लबरेज होकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। कोशिश एक ही है कि तेजी से आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मंजिल को हासिल कर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री की ही इन बड़ी बातों पर आइए कर लेते हैं बात, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जो तस्वीर भारत की सामने रखी है वही दिखाती है कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था भी लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त शिशिर सिन्हा जुड़ गए हैं जो जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिशिर जी। लेकिन साथ ही सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शिशिर जी की, प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों पर भारत की डेमोग्राफिक पावर भी रखते रहे हैं, इकोनॉमिक पावर भी रखते रहे हैं, और आज तो प्रधानमंत्री ने बताया कैसे रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन था, क्या संकेत इससे लिया जा सकता है, क्योंकि ये मंच जिस पर ये संबोधन दिया ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां विश्वभर के दिग्गज यहां उपस्थित थे। देखिए, सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि इस समय की जो वैश्विक परिस्थिति है और वैश्विक परिस्थिति में निवेशकों के लिए एक बेहतर गंतव्य की अगर बात की जाए वो भारत है, और इसी संदेश को देने की कोशिश इस सम्मेलन में की गई है। आपने अगर उनके भाषण का एक हिस्सा जहां पर उन्होंने जिक्र किया कि दो बड़े हिस्से में तनाव की स्थिति और हम यहां पर इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, ये साफ जताता है कि भारत के ऊपर विश्वास जो है वो एक अलग तरीके का है। तो ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, इस सम्मेलन में दूसरी बात ये भी है कि सम्मेलन में दुनिया भर के आर्थिक चिंतक जुटे हुए हैं, और आर्थिक चिंतक की बातों को सुनना, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों में जो कुछ भी हो रहा है उसको सुनना, समझना और फिर उस हिसाब से काम करना, ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी एक संदेश जो है वो इस आयोजन के जरिए जो है प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की है। शिशिर जी, जब हम बात भारत के ग्रोथ स्टोरी की करते हैं तो ये ग्रोथ स्टोरी अन्य देशों की ग्रोथ स्टोरी से किन मायनों में भिन्न है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात सामने रखी तो उन्होंने कहा कि हम ग्रोथ के साथ साथ इंक्लूजन को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत जैसे देश के लिए ये संकेत, ये संदेश कितना महत्वपूर्ण? कि दुनिया में अभी आप जितने भी प्रमुख देश देखें, विकसित देश देखें, जहां पर विकास की जो दिशा है, विकास की एक जो कहा जाए कि भविष्य के अनुमान है, उसके कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आप अमेरिका की बात कर लीजिए, आप चीन की बात कर लीजिए, आप जापान की बात कर लीजिए, और उन सब के बीच में भारत इकलौता देश है जहां पर विकास के अनुमान तमाम एजेंसियां बढ़ा रही हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, फिच की बात करें, मूडीज की बात करें। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो विकास की संभावनाएं देख रही हैं। और दूसरी बात, जहां विकसित और बड़े देशों में विकास को लेकर के प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, यहां पर वो प्रश्न चिन्ह नहीं है बल्कि एक विश्वास ज्यादा हो रहा है। इसी संदेश को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच पर रखा। जी, हमारे साथ प्रफुल केतकर जी भी जुड़ गए हैं, एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के। स्वागत आपका प्रफुल जी। आज जब प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक तस्वीर पर अपनी बात सामने रखी तो प्रफुल जी उन्होंने एक बात कही कि कैसे 60 सालों में तीसरी बार सरकार सत्ता में आई है, तो ये जनता का विश्वास, करोड़ों जनता का विश्वास है जो दिखाया गया है। और उन्होंने इसके साथ ही जोड़ा कि जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मौजूदा वैश्विक परिवेश में प्रधानमंत्री का ये कथन क्या मायने रखता है? देखिए ममता जी, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव विश्व भर के सारे आर्थिक चिंतकों का एक प्रभावी मंच है, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने यह कहना कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में दुनिया का भारत पर विश्वास बना हुआ है और भारत का आत्मविश्वास अलग स्तर पर है, मुझे लगता है कि ये एक
2024 के चुनाव के बाद की जो अटकलें लगाई जा रही थी, पिछले 3 महीने का खाका उन्होंने जिस तरह से खींचा है जी, वो साफ साफ बताता है कि सरकार अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में कितनी कॉन्फिडेंट है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि नया उन्होंने जो आज इसमें जुड़ाव, आपने जो विश्वास की बात की वो थर्ड टर्म में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक जो नई बात मुझे लगता है जोड़ी है इस बार कि भारत अभी पूरे दुनिया भर का अफोर्डेबल इंटेलेक्चुअल पावर हाउस है जी। तो इस कारण से हम शिक्षा और स्किल के माध्यम से भी पूरे दुनिया में युवा देश होने के कारण एक आत्मविश्वास अलग स्तर का हमको दिख रहा है। ये दोनों मैसेजेस मुझे लगता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में भारत की आर्थिक शक्ति जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस, डिफेंस इंडस्ट्रीज के बारे में कहा, प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में कहा, इनोवेशन के बारे में कहा, लेकिन उसके साथ साथ युवा देश और इंटेलेक्चुअल पावर हाउस के रूप में भारत उभरता देश, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मैसेज जी। शिशिर जी, इसी से जोड़कर पूछना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने आंकड़ा सामने रखा कि 1700 कैपेबिलिटी डेवलपमेंट संस्थाएं ऐसी हैं जो भारत में काम कर रही हैं, भारत के युवाओं को आज की तकनीक से जोड़ने के लिए कौशल युक्त कर रही हैं। ये इस बात को लेकर संदेह पहले जताया जाता रहा कि कौशल विकास हमारे, अगर युवा कौशल युक्त नहीं होंगे तो हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठा सकते। क्या ये कह सकते हैं कि आज का भारत इस ओर ज्यादा गति से ध्यान दे रहा है? क्योंकि जब हम इंटर्नशिप स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, कंपनियों के साथ बजट में जो एलोकेशंस हैं उनकी बात करते हैं, तो ये एक ऐसा मोर्चा है जिस पर एक ही तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं, कौशल भी और रोजगार भी। बिल्कुल, देखिए आज के दिन में हम लोग जब रोजगार की बात करते हैं ना, तो केवल ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास एक औपचारिक शिक्षा या एक औपचारिक डिग्री है, बल्कि जरूरत इस बात की भी होती है कि कैसे आप अपने आप को स्किलिंग, अप स्किलिंग, री स्किलिंग करते हैं। तो ये जितने भी हमारे स्किल प्रोग्राम है उसमें सिर्फ मकसद ये नहीं कि आपको नौकरी के लिए तैयार करना है, बल्कि जो नौकरी में आ चुके हैं उनकी दक्षता और कैसे बेहतर की जाए, उनके कौशल्य को कैसे बेहतर किया जाए। भी आपने इंटर्नशिप स्कीम का जिक्र किया, जैसे आज पहला दिन है और जिस तरीके का उसमें रिस्पॉन्स है, करीबन 2200 से 2500 के करीब में आवेदन आ गए हैं, 100 से भी ज्यादा कंपनियां जो है उसमें साइन कर चुकी हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि दोनों ही युवाओं में जहां पर अपने आप को प्रशिक्षित, अपने को कौशल विकसित करने का एक जिसे कहा जाए कि उनके अंदर एक चाहत है, और दूसरी ओर कंपनियां भी जो है इस दिशा में कैसे मदद कर रही है। अब सरकार अपनी दिशा में अपनी ओर से एक नीति का खाका लेकर के सामने आ रही है, पूरी की पूरी व्यवस्था देखिए तो आज के दिन में कौशल्य की बात केवल यहां तक सीमित नहीं है कि हमने आपको नौकरी के लिए तैयार कर दिया, बल्कि नौकरी में और बेहतर आप कैसे करें, कारोबार में आप कैसे बेहतर करें, काम धंधे में कैसे बेहतर करें, इसके लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग भी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी प्रफुल्ल जी, ये जब हम तमाम बातें अभी तक देश के विकास की या ग्रोथ स्टोरी की करते आ रहे हैं, तो GDP की हम बात करते हैं, तमाम अन्य आंकड़े भी सामने रखे जाते हैं, लेकिन इसी मंच पर वित्त मंत्री ने इस बार पर कैपिटा इनकम की भी बात की, प्रति व्यक्ति आय देश की कहां तक हम पहुंचा सकते हैं। उन्होंने डॉलर्स में इस बात को सामने रखा कि अगले 5 वर्षों में हम $2,000 और अधिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। ये जो पर कैपिटा इनकम है, इसको लेकर हमने अमूमन देखा है कि जो विदेश से जुड़े अर्थशास्त्री हैं वो इस पर बहुत जोर देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये देश की ओर से वैश्विक निवेशकों और वैश्विक मंच के लिए भी एक संकेत रहा है कि हम इस पर भी गौर कर रहे हैं? निश्चित, देखिए वो बात सीधी सीधी जुड़ती है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम केवल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हम इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहे हैं। जब इंक्लूसिव होती है तो उसका रिफ्लेक्शन केवल जीडीपी में नहीं दिखता, वो पर कैपिटा इनकम में भी दिखता है। और पर कैपिटा इनकम $2,000 प्रति व्यक्ति बढ़ना, ये अपने आप में ये दिखाता है। और इसमें जो यदि हम उसको प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और उसका एक्सपोर्ट लाइन हो, या जो सारी जो प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव हो, इन सबसे यदि जोड़कर यदि देखते हैं, और उसमें स्टेट्स की भागीदारी, ये संभव तभी है जब भारत के राज्य भी जो परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति है उसके आधार पर अपने अपने
शक्ति स्थलों के आधार पर, अपनी स्ट्रेंथ के आधार पर उस ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान देंगे। मुझे लगता है कि ये एक तरीके से टारगेट प्रधानमंत्री ने एक खाका खींचना और वित्त मंत्री ने उसके आधार पर एक तरीके से अगले 5 साल का टारगेट तय करना पर कैपिटा इनकम के लिए, ये भी एक तरीके से इन सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आए हुए विश्व भर से उनके लिए एक तरीके से चैलेंज है कि आप पॉलिसी सजेस्ट करते हुए हमारे इन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज पर डिस्कशन कीजिए, ये इस तरह का संदेश भी है। बिल्कुल, और हरित विकास की बात भी पीएम ने कही। लेकिन शिशिर जी, एक संदेश यहाँ पर इस मंच में भी पर भी जो जो लोग आए हुए हैं, वैश्विक रणनीतिकार आए हुए हैं, अर्थशास्त्री आए हुए हैं, उनके लिए भी था कि आप यहाँ पर जब चर्चाएं करेंगे तो ये मात्र चर्चा का मंच नहीं है, सरकार भी अपने नीतिगत निर्णयों में इन चर्चाओं से जो निकल कर आएगा उन पर गौर करेगी। क्या ये भी दर्शाता है कि सरकार और व्यापक सोच के साथ, खासतौर पर बदलते वक्त की सोच के साथ, नीतियों को आत्मसात करने को तैयार है? क्या तेज रफ्तार के विकास को हासिल करने की ओर प्रतिबद्ध दिखती है सरकार? बिल्कुल, देखिए, जब हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग एक वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो जब ग्लोबल विलेज में आप अगर सोचे कि हमने अपने देसी अर्थशास्त्रियों की बात सुन ली तो हमारा काम हो जाएगा, उससे बात नहीं बनने वाली। क्योंकि आज के दौर में आपको दूसरे देशों के साथ अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो उन देशों में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया की बेहतरीन प्रैक्टिसेस क्या है, दुनिया के अलग अलग देशों के बेहतरीन प्रैक्टिसेस क्या है, वो वहां के आर्थिक चिंतक बताते हैं। उनमें से भारतीयकरण कर यानी कि उन कौन सी चीज ऐसी है जो कि भारत के लिए अनुकूल है, वो चर्चा में अगर लाई जाए तो आपके लिए विकास न केवल एक जिसे कहा जाए कि घरेलू स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बात होती है, बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करने में आपके लिए मददगार साबित होती है। तो ये आयोजन का मकसद एक ये भी है कि दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिस को समझा जाए और कैसे उसका भारतीयकरण किया जा सकता है, जिससे कि विकास की रफ्तार तो बढ़े, हम विश्व में भी एक मजबूत आर्थिक शक्ति। जी, लेकिन एक शब्द था जो कई बार सुनने को मिला इस संबोधन में, वो था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। प्रफुल्ल जी, जब हम संरचनात्मक सुधारों की बात करते हैं तो वो कई स्तर का होता है। आपने राज्यों की बात की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा कि ये संरचनात्मक सुधार, ये रिफॉर्म्स राज्यों में भी हो, इस पर काम हो रहा है। ये संरचनात्मक रिफॉर्म्स किस हद तक हमारी इस विकास की, हमारी इस ग्रोथ स्टोरी को इम्पैक्ट करते हैं, किस किस स्तर पर इम्पैक्ट करते हैं कि इस पर सरकार वाकई जोर दे रही है? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक जो अभी शिशिर जी ने कहा कि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनका कहीं ना कहीं भारतीयकरण हो, और भारतीयकरण हो तो उसका स्थानिक स्तर की जो वास्तविकता है उससे जोड़कर भी बदलाव हो। जैसे पूर्वोत्तर में है तो पूर्वोत्तर की हमने विकास यात्रा में एक अलग तरीके का कनेक्टिविटी हमने बाकी देश के साथ बढ़ाई, लेकिन यहाँ की जो कल्चरल स्पेसिफिसिटीज है उसको जोड़कर हमने यहाँ के क्लस्टर्स को भी डेवलप करने का एक तरीके से संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात की, बैंकिंग सेक्टर में जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए तो उसके कारण कितने बड़े बदलाव आए ऑल ओवर एनपीए के सिचुएशन में भी और दूसरी तरफ इंक्लूजन के सिचुएशन में भी। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन उसको केवल हम जिस तरीके से आईएमएफ उसको सोचता है, वर्ल्ड बैंक उसको सोचता है, उस लेवल पर सोचकर नहीं चलेगा। हमारी उसका भारतीयकरण कैसे करे, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। और ये मंथन जैसे कहा प्रधानमंत्री जी ने, शायद उसमें से कोई हमको नई आइडियाज के लिए भी कुछ रास्ते खोलेगा। बिल्कुल, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार की नीति और नियत दोनों स्पष्ट हो गए हैं एक बार फिर से, जब प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों को सामने रखा कि विकसित भारत है हमारा लक्ष्य, जिसके लिए सरकार सही कदम सही दिशा में उठाने को है तैयार। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज नाइट। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH, MDH। सारी छुरियां भर देती हैं।
पुट्टी बार हम बार कर देती है। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अच्छे भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याप सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याप भी बढ़ाता है। ले जाओ। नंबर 1 पशु आहार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM Ribs के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। और बात हरियाणा की कर लेते हैं, क्योंकि वहां मनाया जाएगा लोकतंत्र का जश्न, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होना है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने इस मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 20,600 से अधिक बूथों पर 1,000 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी, रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। EVM और वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में पोलिंग पार्टियों को दी गई ट्रेनिंग। 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाए कई कदम। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल किए जाएंगे तैनात। पूरे प्रदेश में वोटिंग के लिए करीब 20,632 बूथों को तैयार किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज राज्य भर में पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई, जिनमें मतदान अधिकारी, सहायक कर्मचारी और सुरक्षा बल शामिल हैं। हरियाणा में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ साथ हरियाणा पुलिस के जवान भी तैनात होंगे, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, होमगार्ड्स हैं, ये डिप्लॉय रहते हैं, और उसके अतिरिक्त भी सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, इंसानों की कई लेवल की मतलब पुलिस फोर्स की व्यवस्था है, QRT है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान
समाप्त हो सके। लोकसभा 2024 में जब अभी हुए उसमें तो 64.8% मतदान था, लोकसभा 2019 में 70% मतदान था और विधानसभा 19 के समय 68% मतदान था। हमें उम्मीद है कि हम लोग इससे और इससे ऊपर जाएंगे, इसके लिए मतलब लगभग 70+ में 75% इस तरह की मतदान हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। और हम जनता से गुजारिश करते हैं कि वो भारी संख्या में घरों से निकले, इस पर्व को मनाए, छुट्टी का दिन ना समझे, क्योंकि उनका ये अधिकार भी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 अक्टूबर शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। टीडी न्यूज। दिल्ली में पकड़ी गई अब तक की ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप, 5,600 करोड़ की खेप से कांग्रेस के तार जुड़े होने पर अब घमासान मच गया है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर हमलावर हो गई है। पार्टी ने बेहद तीखे सवाल पूछे हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस की संलिप्तता को बेहद खतरनाक और शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस पर युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में धकेलने का आरोप लगाया है। दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप का कांग्रेस कनेक्शन, गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक, युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में धकेलना चाहती है कांग्रेस। दिल्ली में ड्रग्स बरामदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर को करीब 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया, तो एक आरोपी का कांग्रेस से कनेक्शन सामने आया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी तुषार गोयल यूथ कांग्रेस का सदस्य रह चुका है। मुख्य आरोपी और किंग पिन तुषार गोयल 2022 में भारतीय युवा कांग्रेस RTI सेल का प्रमुख रहा। तुषार गोयल की कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस खुलासे ने राजनीति में हलचल मचा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स खेप में कांग्रेस की संलिप्तता को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, एक ओर जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ड्रग्स बरामदगी के मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सी फॉर करप्ट और सी फॉर कंफ्यूज कांग्रेस अब सी फॉर कोकीन कांग्रेस बन गई है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ड्रग्स सिंडिकेट के कांग्रेस कनेक्शन पर तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वहां वहां ड्रग्स का धंधा बढ़ता है। मैंने आपको कहा कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब कमीशन और कांग्रेस का मतलब है मेकिंग पीपल ड्रग एडिक्शन। एक कांग्रेसी नेता की उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स कितनी है? 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स। कांग्रेस आएगी तो ड्रग वालों को बढ़ावा मिलेगा। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है और वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, इन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी के तुषार गोयल के साथ क्या संबंध हैं? क्या ये पैसा कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं का ड्रग्स तस्करों के साथ कोई समझौता है?
कांग्रेस खासकर हुड्डा परिवार को जवाब देना चाहिए कि उनका तुषार गोयल से क्या संबंध है। आरोपियों के कांग्रेस से गहरे संबंध, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में करते हैं काम। मुख्य आरोपी तुषार गोयल उर्फ डिक्की युवा कांग्रेस का पदाधिकारी। तुषार गोयल का प्रोफाइल हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। ड्रग कॉटल में कांग्रेस की संलिप्तता के बारे में राहुल गांधी को बताना चाहिए। तस्करी के आरोप में तुषार गोयल के साथ ही भरत कुमार जैन, औरंगजेब सिद्दीकी और हिमांशु कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थों के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त की गई है। इस मामले की जांच जारी है, लेकिन घटना ने कांग्रेस की छवि पर सवाल खड़े कर ही दिए हैं। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। अन्य खबरों का रुख करने से पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। सारी छुरियां भर देती है, दीवार हम वार कर देती है। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। सारी छुरियां भर देती है, दीवार हम वार कर देती है। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के भाटपाड़ा में पूर्व सांसद और भाजपा नेता अर्जुन सिंह के घर पर हमला हुआ है। हमले के दौरान बम के छर्रे लगने से अर्जुन सिंह और उनके सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं और भाजपा ने एक बार फिर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में जारी है अराजकता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता के घर फेंके गए बम। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह बमबारी में हुए घायल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला अभी थमा भी नहीं था कि ममता सरकार एक बार फिर घिर गई है। 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने घात लगाकर बम से हमला कर दिया। इस हमले में बीजेपी नेता और उनके 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। इसकी जानकारी खुद अर्जुन सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके देते हुए बताया कि जब सभी नवरात्रि की पूजा में व्यस्त थे, तब NIA केस में आरोपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता स्थानीय पार्षद के बेटे नमित सिंह के संरक्षण में और स्थानीय पुलिस की निगरानी में कई जिहादियों और गुंडों ने मेरे कार्यालय से निवास मजदूर भवन पर हमला कर दिया। अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रही है,
इसलिए वो राज्य में भय पैदा करने की कोशिश कर रही है। हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे भी पैर में स्प्लिंटर लगा है बम का। तो ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग, ये प्लान करके किया जा रहा है। तृणमूल पूरे बंगाल में ख़त्म हो रही है, तो अपने जमीन के तलाश में इस तरह से भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। हमने देखा है वीडियो में कि पुलिस वाले को भी मार रहा है सब वो लोग, तो इसका मतलब है कि कुछ पुलिस वाले भी इसको सही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन 20 पुलिस वालों के सामने ये घटना घटती है तो इसमें समथिंग रॉन्ग। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। इस घटना के सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई। सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि हमेशा की तरह पुलिस ने मूक दर्शक की भूमिका निभाई और अपराधियों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि इस जघन्य अपराध के लिए दोषियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वीडियो फुटेज ही काफी है। साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी से अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की भी अपील की। अर्जुन सिंह ने दावा किया कि उनके निवास पर करीब 15 बम फेंके गए और एक दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई। धमाके की आवाज सुनकर जब वे घर से बाहर निकले उसी दौरान अचानक एक छर्रा उनके पैर में लग गया। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अर्जुन सिंह के घर पर इस तरह से बम फेंक कर हमला किया गया है। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे बढ़ने से पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डाले। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH, MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक है, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल, आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार, पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। सारी छुरियां भर देती है, दीवार हम वार कर देती है। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और हजारों करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नवरात्र के मौके पर महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी मंदिर भी जाएंगे। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के वाशिम में स्थित ये पोहरा देवी मंदिर बंजारा समुदाय का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे के दौरान वाशिम, ठाणे और नवी मुंबई को विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाशिम के जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन करेंगे और संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर पीएम मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र दौरे में पीएम मोदी कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी करीब 23,300 करोड़ रुपए की पहलों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद BKC मेट्रो स्टेशन से वे BKC से मुंबई की ओर JVLR तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम BKC और सांता क्रूज स्टेशन के बीच मेट्रो में सफर भी करेंगे। आज ये पवित्र स्थान की काशी में मोदी जी आ रहे हैं, तो यहाँ का जो वातावरण है ये बहुत भक्तिमय वातावरण हुआ है। यहाँ का जो अभी बहुत डेवलपमेंट चल रहा है महाराष्ट्र शासन की तरफ से,
500-700 करोड़ का यहाँ काम चालू है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और यो वाशिम और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में अच्छे ये प्रगति हो रही है। बंजारा समाज के लिए ये बहुत अच्छा है। बोहरा देवी मंदिर को बंजारा समुदाय का काशी भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस श्राइन का और इस मंदिर का बंजारा समुदाय में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। जो कार्यक्रम के आयोजक है वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने इस बात का वादा किया था कि वो एक बार यहाँ जरूर आएंगे और जो बंजारा समुदाय के सबके नेता और सबके गुरु थे उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिम में लगभग 9.4 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त वितरित करेंगे। पीएम नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त भी जारी करेंगे जिसके तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,920 करोड़ रुपए से अधिक की 7,500 से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 9,200 किसान उत्पाद संगठनों को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे जिनका कुल कारोबार लगभग 1,300 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहनी योजना 2.2 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 5 सौर पार्कों का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 14,120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ठाणे में मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी से RAGVLR खंड का उद्घाटन करेंगे जिसमें 10 स्टेशन होंगे जिनमें से 9 भूमिगत होंगे। प्रधानमंत्री लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। परियोजना की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है जिसमें 20 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन हैं। पीएम मोदी लगभग 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना दक्षिण मुंबई से ठाणे तक संपर्क की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 2,550 करोड़ रुपए की लागत वाली नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया परियोजना के चरण एक की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम की आधारशिला भी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट में आगे बात करेंगे शास्त्रीय भाषाओं की, लेकिन उससे पहले यह वक्त एक ब्रेक का। बढ़िया है, चल प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। सारी छुरियां भर देती है, दीवार हम बार कर देती है। तो पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जय भवानी, जय शिवाजी। A warrior so brave he'll forever be hailed. महाराष्ट्र टूरिज्म। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और अब बात हमारे देश की भाषाई विरासत की, जो बहुत ही समृद्ध है। और इसी भाषाई विरासत को समर्पित एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को
शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। और इस फैसले का स्वागत करते हुए भाषाई जानकारों और विशेषज्ञों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करती हैं। इन्हीं भाषाओं के संरक्षण के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दे दी। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए महाराष्ट्र, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल से भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने से खासकर शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में रोजगार के अहम अवसर पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में रोजगार पैदा होंगे। इन भाषाओं से जुड़े लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्राकृत भाषा आज से 2500 वर्ष पूर्व भारत की जनभाषा थी। प्राकृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए हैं। भारत सरकार ने प्राचीन भाषा प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर के इनफैक्ट दिस इज ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दैट दीज लैंग्वेजेस आर बीइंग इंक्लूडेड इन द क्लासिकल लैंग्वेजेस बिकॉज वी नो ऑल आवर एंशियंट लिटरेचर इज इन दीज लैंग्वेजेस। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। पाली भारतीय उपमहाद्वीप की एक मध्य इंडो यूरोपीय धार्मिक भाषा है। पाली भाषा संस्कृत से उभरने वाली भाषा है। शोध के अनुसार पाली अनेक प्राकृत भाषाओं का मिश्रण है, जिन्हें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एकीकृत किया गया तथा उनका संस्कृतीकरण किया गया। पाली एक संस्कृत संबंधित मध्य भारतीय भाषा है, जिसका प्रयोग बौद्ध ग्रंथों और साहित्य में किया जाता है। 2000 से अधिक वर्षों तक भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के थेरवाद बौद्धों द्वारा इसे बुद्ध की भाषा माना जाता रहा। पाली का इस्तेमाल बौद्ध विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। बौद्ध साहित्य का अधिकांश हिस्सा पाली में लिखा गया है। वहीं प्राकृत मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का एक समूह है, जो तीसरी और सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाती थी। प्राकृत मुख्यतः मध्य भारतीय आर्य भाषा युग को संदर्भित करता है, जिसमें पहले के शिलालेखों और बाद की पाली को नजरअंदाज किया जाता है। प्राकृत का इस्तेमाल जैन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। जैन साहित्य का हिस्सा प्राकृत में लिखा गया है। पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं को जिस तरह से प्रश्रय दिया है, यूं कहा जाए कि जो हमारी एक चाह है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो पूरे विश्व में अपनी पताका फहराए। निश्चित रूप से सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारे आसपास जो आधुनिक विभाग हैं वे तब तक फल फूल नहीं सकते हैं जब तक कि जो हमारी प्राचीन विरासत है उसमें उनके जड़ों से ऑक्सीजन न मिले। हमारे प्राकृत साहित्य पाली में बड़े विशाल साहित्य का संरक्षण संवर्धन करने की दिशा में और भारतीय भाषिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भाषाओं का मेन स्ट्रीम में आना निहायत जरूरी था और सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। असल भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया तथा उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हम जानते हैं कि भारत की 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, तो ऐसे में शास्त्रीय भाषा क्या हुई? कुछ ये जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि शास्त्रीय भाषा कौन सी भाषा हो सकती है, ऐसे कुछ मानदंड हैं
जैसे प्राचीन सांस्कृतिक विरासत में भाषा का 1500 से 2000 वर्ष पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी इनके प्राचीन साहित्य हैं या ग्रंथ हैं या संग्रह है या फिर शिलालेख के साक्ष्य भी उपलब्ध होने चाहिए, और जो लोग बोलते हैं वो तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपने विरासत का दर्जा देते आए हों, एक ये भी सोच होनी चाहिए। लेकिन फिर महत्व क्या होता है, क्यों किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए? दरअसल जो प्राचीन साहित्यिक धरोहर होती है, ये प्राचीन भाषाएं जो कितने सौ सालों पहले से हमारे देश में बोली जाती रही हैं, जब हम इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं तो इनका डिजिटलीकरण संभव हो पाता है, इनका संरक्षण संभव हो पाता है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के बीच ये पॉपुलर हो जाती हैं, लोग इन्हें सीखना चाहते हैं, इनके प्रति जागरूकता तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ ही साथ इन भाषाओं को लेकर शोध होते हैं, इनको लेकर रोजगार सृजन भी होता है और अधिक लोग इस क्षेत्र में आते हैं, इन भाषाओं पर रिसर्च होती है। और इसी तरीके से हमने आपके जैसे बताया कि 5 और अन्य भाषाएं भी अब शास्त्रीय भाषा बन गई हैं, 22 तो आधिकारिक भाषाएं ही हैं, लेकिन 2004 वो वर्ष था जब शास्त्रीय भाषा की एक नई श्रेणी भाषाओं में जोड़ी गई, जैसे हमने बोला तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया इनमें पहले से शामिल थी, और अब इसमें 5 और भाषाएं शामिल हो गई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, यानी अब कुल शास्त्रीय भाषाएं हमारे देश में 11 हो गई हैं। ऐसे में जो शास्त्रीय भाषाएं अब बनी हैं उनमें प्राकृत भाषा, कुछ भाषाएं ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, आइए ये भी जानते हैं, क्योंकि ये भी मध्य आर्य भाषाओं में ही शामिल होती है, और जो लोग भाषा के ज्ञानी हैं, जो इनका इतिहास अध्ययन करते हैं, वो जानते हैं कि मध्य भारतीय आर्य भाषाओं की भी क्या जरूरत रही है। 3री से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये वो वक्त था जब ये बोली जाती थी, संस्कृत में ही इसका मूल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसे जैन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया गया। कहा यह भी जाता है कि जो जैन साहित्य का एक बड़ा हिस्सा है उसे इस प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। तो जो जैन साहित्य का अध्ययन करते हैं या जो इनकी जड़ों को से जुड़ना चाहते हैं, इनके इतिहास को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये प्राकृत भाषा को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से पाली भाषा होती है, अगर हम पाली भाषा की बात करते हैं तो ये भी संस्कृत से संबंधित भाषा ही है, जो इंडो यूरोपीय धार्मिक भाषा मानी जाती है, लेकिन ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई भाषा है। दरअसल बौद्ध ग्रंथों और साहित्य में इसी भाषा का प्रयोग है, और शोध जो किए गए हैं उनके नतीजे ये बताते हैं, अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि पाली दरअसल अनेक प्राकृत भाषाओं का ही मिश्रण है, उन्हें मिलाकर ही पाली भाषा बनती है, और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसको तैयार किया गया, इसको एकीकृत, जैसा हमने कहा अनेक प्राकृत भाषाओं का मिलन है, ये मिश्रण है, ये तब उस वो वक्त था जब ये सामने आया। इसी तरीके से पाली जो ये नाम है ये थेरवाद सिद्धांत की भाषा में संदर्भित है, और थेरवाद हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म की ही 2 शाखाओं में से एक शाखा है थेरवाद, तो वहीं से इसका संदर्भ आता है। 2000 से अधिक वर्षों तक भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के भी थेरवाद बौद्ध मानते थे कि ये बुद्ध की भाषा है, तो पाली भाषा जिसे बुद्ध की भाषा माना जाता रहा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इन मायनों में, इतिहास में चूंकि हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन भाषाओं को अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।